आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुनील सिरानिया अपने यूट्यूब चैनल सुनील पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लेके आए हैं 2004 में आई फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों की शूटिंग लोकेशन का वीडियो। अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों की शूटिंग राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में शूट की गई। दोस्तों, फिल्म में स्टार कास्टिंग की बात की जाए तो अमिताभ बच्चन, बॉबी देओल, अक्षय कुमार, नगमा डैनी और आशुतोष राणा ने अभिनय किया था। दोस्तों, शूटिंग लोकेशन पे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिल्म का एक सीन बड़ा बाग के अंदर इस जगह पर शूट किया जाता है जिसमें ग्रेसी सिंह और जूनियर आर्टिस्ट यहाँ पर डांस करते हुए नजर आते हैं। आप स्क्रीनशॉट में देखकर इस छतरी की डिज़ाइन को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा जो पीछे छतरियाँ नज़र आ रही हैं इन्हें भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन बड़ा बाग के अंदर स्थित इन्हीं छतरियों के मध्य में शूट किया जाता है। बड़ा बाग राजस्थान के जैसलमेर शहर में स्थित एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो शाही शासकों को समर्पित छतरियों के लिए प्रसिद्ध है। इन छतरियों में जैसलमेर के राजाओं की कब्र बनी हुई है जिसमें सबसे प्राचीन कब्र राजा महारावल जैत सिंह की है। शाही छतरियों के अलावा यहाँ पानी की टंकी, जैत सरबांध और एक बगीचा भी स्थित है। इसके पास में एक गोवर्धन स्तंभ है जिस पर पानी की टंकी एवं बांध का नाम खुदा हुआ है। यहाँ आज़ादी के बाद बनी एक अंतिम छतरी है जो रावल जवाहर सिंह द्वारा बनवाई गई। यह छतरी अधूरी है क्योंकि इसके पूरे होने से पहले ही रावल जवाहर के पुत्र की मृत्यु हो गई। पर्यटक यहाँ सूर्यास्त के मनमोहक दृश्य के साथ कुछ असीन पल बिता सकते हैं। बड़ा बाग के निर्माण कार्य की शुरुआत 16वीं शताब्दी में राजा महारावल जैत सिंह ने की थी, लेकिन जैत सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र लूनाकरण ने इस बाग के निर्माण कार्य को पूरा किया। इस जगह को बड़ा बाग के नाम से भी जाना जाता है। थार के रेगिस्तान में बनी ये छतरियाँ सूरज की किरणों के साथ सोने सी चमकती दिखाई देती हैं। यहाँ राज परिवार के सदस्यों के मृत्यु के बाद दाह संस्कार कर छतरियाँ का निर्माण करवाया जाता है। बेहतरीन स्थापत्य कला के कारण अब यह छतरियाँ आमजन के साथ पर्यटकों की पसंद भी बन गई है। अपनी कलाकृति के लिए विशेष स्थान रखने वाले बड़ा बाग की छतरियों पर जैसलमेर का शायद ही ऐसा कोई नव दंपति होगा जिसने फोटोशूट ना किया हो। बड़ा बाग जैसलमेर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जिसे यहाँ राजा ने बनवाया। फिल्म का एक सीन बड़ा बाग के अंदर इस जगह पर शूट किया जाता है जिसमें बॉबी देओल, ग्रेसी सिंह और जूनियर आर्टिस्ट यहां पर डांस करते हुए नजर आते हैं। आप स्क्रीनशॉट में देखकर ये जो सामने छतरियां नज़र आ रही है बड़ा बाग की इनकी डिज़ाइन को मैच कर सकते हैं। इस कॉर्नर को और जो विंडोज़ बनी है इन्हें, इनके अलावा जो पीछे लाइन से छतरियाँ नज़र आ रही है छोटी, इन्हें भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन बड़ा बाग के अंदर इसी जगह पर शूट किया जाता है। बड़ा बाग राजस्थान जैसलमेर में स्थित एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो शाही शासकों को समर्पित छतरियों के लिए प्रसिद्ध है। इन छतरियों में जैसलमेर के राजाओं की कब्र बनी है जिसमें से सबसे प्राचीन कब्र राजा महारावल जैत सिंह की है। शाही छतरियों के अलावा यहाँ पानी की टंकी, जैत सरबान और एक बगीचा भी स्थित है। इसके पास में एक गोवर्धन स्तंभ है जिस पर पानी की टंकी और बांध का नाम खुदा हुआ है। यहाँ आज़ादी के बाद बनी एक अंतिम छतरी है जो रावल जवाहर सिंह द्वारा बनवाई गई है। यह छतरी अधूरी है क्योंकि इसके पूरे होने से पहले ही रावल जवाहर सिंह के पुत्र की मृत्यु हो गई। पर्यटक यहाँ सूर्यास्त के मनमोहक दृश्य के साथ कुछ असीन पल बिता सकते हैं। बड़ा बाग के निर्माण की शुरुआत 16वीं शताब्दी में राजा महारावल जैत सिंह ने की थी, लेकिन जैत सिंह के मृत्यु के बाद उनके पुत्र लूनाकरण ने इस बाग के निर्माण का कार्य पूरा किया। यहाँ स्थित छतरियाँ भाटी शासकों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाई गई थी। फिल्म का एक सीन सोनारगढ़ किले के अंदर इस जगह पर शूट किया जाता है जिसमें बॉबी देओल, ग्रेसी सिंह और जूनियर आर्टिस्ट यहाँ पर डांस करते हुए नजर आते हैं। आप स्क्रीनशॉट में देखकर सामने जो फोर्ट की डिज़ाइन नज़र आ रही है इसे मैच कर सकते हैं। इन छोटी छोटी विंडोज़ को और दूसरी साइड जो छतरी बनी हुई है, इस छतरी को, छतरी के पास में जो मकान बना हुआ इसे और इस छोटे वाले मकान की डिज़ाइन को भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन सोनारगढ़ किले के अंदर इसी जगह पर शूट किया जाता है। जैसलमेर का किला भारत के उन कुछ किलों में से एक है जो आज भी उपयोग में। बीते युग के अधिकांश किलों के विपरीत इसके परिसर
अभी भी जीवन बाजारों और भोजनालयों से भरे हुए हैं। इसकी संकरी गलियां एक रंगीन दुनिया को दर्शाती हैं। यहां अतीत और वर्तमान साथ रहते हैं, उन्नति करते हैं। बीते युगों की कई परंपराएं आज भी यहां देखी जा सकती हैं, जो इसके शाही अतीत को कायम रखती है और आगे लेकर आती है। दशहरे के दिन यहां एक विशाल मेला लगता है, जहां आज भी राजा अपनी उपस्थिति से इसकी शोभा में चार चांद लगाते हैं। जबकि कुछ हवेलियां आवासों को संरक्षित करके उन्हें संग्रहालयों में बदल दिया गया। अन्य हवेलियों में अभी भी सदियों से यहां रहने वाले परिवारों के वंशज रहते हैं। ऐतिहासिक रूप से आकर्षक होने के अलावा जैसलमेर किले ने साहित्य कला को प्रेरित। जैसलमेर का किला रेगिस्तानी किले का एक आदर्श उदाहरण है। इसकी ऊंचाई और मोटी दीवारों को प्रक्षेपी दुर्ग और रक्षात्मक प्रवेश द्वार सुरक्षा प्रदान करते हैं। बाद के समय में राजपुताना क्षेत्र में निर्मित किलों के लिए किला अनुकरणीय रहा। किले की प्रारंभिक नींव रखे जाने के बाद कई शताब्दियों तक किले में परिवर्तन और निर्माण कार्य होते रहे। मुगलों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान और संयुक्त स्थापत्य परंपरा का उत्कर्ष उसके वास्तुशिल्प में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। कई शताब्दियों तक जैसलमेर शहर और उसकी आबादी किले की परिधि के भीतर ही सीमित थी, और केवल 17वीं शताब्दी ईस्वी के बाद ही किले की बाहरी दीवारों के बाहर बस्तियां बसनी शुरू हो गई। वर्तमान समय में उपस्थित अधिकांश संरचनाओं का निर्माण महारावल मूलराज द्वितीय 1762 से 1820 ईस्वी और महारावल गज सिंह 1820 से 1846 ईस्वी के शासनकाल के दौरान किया गया। आज जैसलमेर शहर को दो हिस्से में बंटा हुआ देखा जा सकता है। ऊपरी शहर किले के प्राचीर के भीतर स्थित है और निचला शहर गढ़ के चारों ओर फैला हुआ है। जैसलमेर का किला त्रिकुटा पहाड़ी पर और आसपास के ग्रामीण इलाकों से 250 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जैसलमेर किले का क्षेत्रफल लगभग 400 मीटर × 203 मीटर है। इसमें तीन संकेतिक किलाबंद दीवारें हैं जो किले को तीहरी रक्षा संरचना प्रदान करती है। सबसे बाहरी दीवारों में 99 गोलाकार बुर्ज है और किले को चारों ओर से घेरती कोनों पर मीनारें बनी हुई है। सबसे ऊपर की किलाबंद दीवारों में कंगूरे या बंदूक की नली रखने हेतु सुराग बने और झरोके आगे की निकली खिड़कियां हैं, जहां से बाहरी दीवारों को देखा जा सकता है। किले को आसपास के दृश्य के सदृश्य बनाने के लिए इसमें विशिष्ट परिधान किए गए। पहाड़ी की चिकनी मिट्टी को थामे रखने के लिए पत्थरों से बनी एक दीवार बनाई गई, जो भीतरी और बाहरी दीवारों के बीच एक मोरी या मारक बनाया गया, जिसके जरिए युद्ध के समय सैनिक और घोड़े किले में कहीं भी आसानी से पहुंच सकते हैं। किले में चार विशाल ऊंचे द्वार हैं, गणेश पोल, अक्षय पोल, सूरज पोल और हवा पोल, जो किले के मुख्य क्षेत्र की ओर जाने के लिए प्रवेश बिंदु थे। इनमें से प्रत्येक प्रवेश द्वार पर लोहे की भारी कीलें लगी हुई थी, जिसके कारण शत्रु इन्हें आसानी से फांद नहीं सकते। प्रवेश द्वार किले के ऊपरी क्षेत्र की ओर जाते हैं। यहाँ केंद्र में स्थित एक शाही प्रांगण सुंदर महलों के समूह से घिरा हुआ है। यह शाही चौक, जिसे दशहरा चौक के नाम से जाना जाता है, शहर का केंद्र हुआ करता था और यही वह सार्वजनिक स्थान भी था जहाँ व्यापारी और आगंतुक राजा और सर्वसाधारण से मिला करते थे। राजा का सिंहासन चौक के कोने पर स्थित है। चौक के चारों ओर के शाही महलों में रंग महल, गज विलास, बड़ा विलास, मोती महल, सर्वोत्तम विलास और जनाना महल आदि। यहाँ सुंदर छज्जों और मंदिर के आकार के गुंबदों वाली एक छत 7 मंजिला भव्य इमारत, जिसे राजमहल या शाही महल कहते हैं। आज इस महल के कुछ शाही कक्षों को देखकर अतीत में जैसलमेर के राजघराने के जीवन की एक झलक देखी जा सकती है। रंग महल अपने बीती चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जो राजस्थानी चित्रकारियों की विरासत एक अद्वितीय संपदा है। सर्वोत्तम विलास को नीली टाइलों और कांच के टुकड़ों के जड़ाई के काम में सूक्ष्मता से सजाया गया। मोती महल का निर्माण महारावल मूलराज द्वितीय 1762 से 1820 ईस्वी ने 19वीं शताब्दी में कराया। यह हवेली इसकी छत पर विचित्र राधा और कृष्ण के सांसारिक प्रेम की सुंदर चित्रकारियों से सुसज्जित है। इस महल के दरवाजों पर खूबसूरत नक्काशियां की गई और शीशे का काम मनोरम है। गज विलास का निर्माण 19वीं शताब्दी में महारावल गज सिंह 1820 से 1846 ईस्वी द्वारा शुरू करवाया गया था। यह सोनार किला के अंदर की फिल्म का एक सीन गड़ीसर झील के इस मेन गेट पे शूट किया जाता है, जिसमें बॉबी देओल और जूनियर आर्टिस्ट इस गेट से बाहर आते हुए नजर आते हैं। आप स्क्रीन शॉट में देखकर ये जो छतरी नजर आ रही है झील के बीच में, इसे मैच कर सकते हैं। इसके अलावा इस झील को
और इसके अलावा जो ये मेन गेट है, इस गेट के इस कॉर्नर को भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन गड़ीसर झील के बाहर इस गेट पे शूट किया जाता है। जैसलमेर के बाहरी इलाकों में एक रेगिस्तान के बीच में स्थित गड़ीसर झील को जैसलमेर के शासक राजा रावल जैसल ने 1213वीं शताब्दी में तालाब के रूप में बनाया था। इस झील का निर्माण मध्य युग में यहाँ के लोगों की पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया गया और कहा जाता है कि पुराने समय में झील संरक्षण प्रणाली का काम करती और जैसलमेर में पानी का जीवन स्रोत रक्षक स्रोत बन गई और यह झील जैसलमेर के लोगों के पानी की कमी को दूर करने में काफ़ी हद तक सफल भी रही। इस झील का नाम महारावल गढ़सी सिंह के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने 1400 ईस्वी में जीर्णोद्वार कर पूरे इस झील को क्षेत्र को पुनर्जीवित किया। फिल्म का एक सीन कुलधारा के अंदर इस जगह पर शूट किया जाता है, जिसमें बॉबी देओल, ग्रेसी सिंह और जूनियर आर्टिस्ट यहां पर डांस करते हुए नजर आते हैं। अब स्क्रीनशॉट में देखकर सामने जो छतरी नजर आई, इस छतरी की डिज़ाइन को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा इसके पास में जो मकान बना हुआ, इसका जो कॉर्नर है, इसे भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन कुलधारा के अंदर इसी जगह पर शूट किया गया। कुलधारा जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुलधारा एक ऐसा गांव है जिसे रातों रात इसके निवासी छोड़ गए, चूल्हे जलते रह गए, चक्कियों में आधा पिसा अनाज रोटियां तवे पर छोड़, दरवाजे खुले छोड़, तब से यह खंडर पड़ रहा है। लोग इसे भूतवा कहते हैं, मगर पुरातत्व विभाग की नज़र जब पड़ी तो इसका जीर्णोद्वार हुआ। कहते हैं पालीवाल समुदाय के कुछ इस इलाके से 84 गाँव रातों रात यहाँ से पलायन कर गए। समृद्ध पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधारा गांव को बसाया। पालीवाल का नाम दरअसल इसलिए पड़ा क्योंकि वो राजस्थान के पाली इलाके के रहने वाले थे। पालीवाल समुदाय के लोग ब्राह्मण होते हुए भी वह बहुत ही परिश्रमी थे। अपनी बुद्धिमत्ता, अपने कौशल के चलते उन्होंने यहाँ से पलायन किया। कुलधारा की वास्तुकला बहुत ही अनूठी है। तो दोस्तों, ये था फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों की शूटिंग लोकेशन का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।